बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं? क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगानी में और कैसी जा रही है आप लोगों की लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बिल्कुल ठीक जा रही है और अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और जी, हम आए थे मॉल में और रैंडम डे था, रैंडम व्लॉग है और हम बस वैसे ही बाहर निकले थे थोड़ी देर के लिए। तो बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि हमें खाना है मैकडोनल्ड्स और फ्राइज़ वगैरह खानी है, तो हम आ गए थे मॉल में। और जी, बस मॉल में जब आते हैं तो जी ये फेवरेट प्लेस है और जी यहाँ पे जाए बगैर तो मैं बिल्कुल रह नहीं सकती। और जी, मैं इसमें एंटर हो गई थी और जी यहाँ पे ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई हैं और मिड ईयर सेल्स लगती रहती हैं और जुहान का भी मूड ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ऑफ़ हुआ हुआ था। और जी, अब हम आ गए थे बाथ एंड बॉडी वर्क्स में और जी यहाँ से काफ़ी अच्छी ऑफ़र थी तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे यहाँ से। और ये है कि चल जाते हैं, काफ़ी देर चल जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स। और जी, अब मैं बिल करवा रही थी और बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और बच्चों को था कि फटाफट हम जाएं और फ्राइज़ वगैरह खाएं। और मैं उनको कह रही थी कि अभी वेट करें, अभी चलते हैं ऊपर, और बस वो कह रहे थे कि आप फटाफट से ना बिल करवा लें। बस हम यहीं पे थोड़ी देर के लिए ठहरे थे और उसके बाद हम ऊपर चले गए थे फूड कोर्ट में, क्योंकि और किसी शॉप में हम गए भी नहीं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हुए हुए हैं, तो उस वजह से हम इतना नहीं शॉप्स वगैरह में जा रहे थे। और बस यहीं पर मैं आई थी और यहीं पर थोड़ी देर मैंने शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी की और फिर उसके बाद यहाँ से हम निकल आए थे बाहर। जी, हम फूड कोर्ट में आए हैं तो बच्चों का मूड चेंज हो गया था और वो कह रहे थे कि हमें KFC खाना है। और जी, हमने फिर KFC ऑर्डर कर दिया था बच्चों के लिए। और जी, बच्चे इतना स्पाइसी खाते नहीं हैं तो ये ज़रा बेस्ट रहता है इनके लिए खाने के लिए, क्योंकि इसमें इतनी स्पाइस नहीं होते। और जी, मैं बस मैंने अपने लिए मंगवाया था और साथ में बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की गेट टुगेदर थी। जी, बच्चों ने माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया और खाना वगैरह भी खा लिया था। वो होता है कि फटाफट से खा लें, पर जो मेरा नुवैर है उसको ये होता है कि मैं पहले अपने हाथ सैनिटाइज़ करूं अच्छे से, हाथों को सैनिटाइज़ करके, तो उसके बाद ही वो कुछ खाता है, क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं टीवी में। और जी, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो गया है और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। अगर आपने बाहर लेके जाना ही है बच्चों को, तो आप साथ में उनको काफ़ी अच्छी प्रिवेंटिव मेयर्स दें और साथ में उनका ख्याल रखें इस चीज़ का। पर बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने तो हर जगह को हाथ लगाना होता है, लेकिन नुवैर माशाल्लाह से हर चीज़ देख के करता है और वो हाथ सैनिटाइज़ करता है बार बार। और जी, सबसे अच्छी बात है, बच्चों को ये बात बतानी चाहिए ताकि वो ना अपनी केयर खुद कर सकें। जी, मिन्हा को यहाँ पर पांडा नज़र आ गया था, एक पिक्चर सी बनी हुई थी पांडा की, और जी उसको वो नज़र आ गई थी और वो फटाफट से भाग के तो पांडा के पास चली गई। और जी, जुहान भी यहाँ पे भाग रहा था और मिन्हा उसको देख रही थी, उसको कह रही थी आओ मैं आपको पांडा दिखाती हूँ। और जी, इसके पापा लगे हुए थे क्यू में और वो ले रहे थे आइसक्रीम बच्चों के लिए, क्योंकि मिन्हा को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी, बस यही था, रैंडम डे का व्लॉग था और इतना कुछ भी नहीं था आज के दिन के लिए। और बस बिज़ी डेज जा रहे हैं और इतना बाहर बस निकलते नहीं हैं, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं पे होता है फिनिश। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो हिट द बेल आइकन ऑल्सो और मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।